हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, आपको क्लियर है एक्सियल पॉइंट क्या होता है, इक्विटोरियल पॉइंट क्या होता है। एक्सियल पॉइंट वो होता है जो डायपोल की एक्सिस के ही लाइन में लाई कर रहा होता है। तो हम उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करेंगे, डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक्सियल पॉइंट पर कितना आता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक डायपोल बना लेते हैं। जैसे ये डायपोल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच में ये मान लो कि ये ओ पॉइंट है। तो आपको पता है कि ये जो टोटल डिस्टेंस होती है ये टू ए होती है बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ डायपोल। ठीक है, तो मैं अगर इसको ब्रेक करके लिख दूं, या चलिए पूरी लिख लेते हैं। सो दिस इज टू ए। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके एक्सिस को आगे बढ़ा रहा हूं। लेट्स से ये एक पॉइंट है पी पॉइंट, जिस पर मैं इसका पोटेंशियल निकाल रहा हूं, और इस पी की जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से यहां से वो आर है। ये डिस्टेंस आर मैंने बाय डिफॉल्ट मान के चलिए, हमने याद करिए जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हमने डेरिवेशन करा था तब भी हमने सेम सेटअप बनाया था। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था डायपोल का एक्सियल पॉइंट, बिल्कुल सेम सेटअप था, कुछ भी चेंज नहीं था, डायग्राम भी सेम था। अब यहां पर जो फर्क आ जाएगा वो ये कि वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू दीज टू चार्जेस, है ना। इस डायपोल को हमने इंडिविजुअल चार्जेस की तरह ट्रीट करा था कि इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा। द सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू फॉलो हियर ऑल्सो, यहां पर भी हम वही करेंगे। इस डायपोल को पूरे एक साथ ना देखते हुए हम दोनों का, ये जो दो चार्जेस हैं इन दोनों का पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, देखिए, अच्छा, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है ये हमने जस्ट इससे पहले वाले जो लेक्चर है, इससे पहले वाला जो वीडियो है, हमने उसमें कवर करा है क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, के क्यू बाय आर, है ना। ये होता है, जिसने नहीं पता वो इससे पहले वाले वीडियो को रेफर कर सकता है, वहां पर देख सकता है, हमने उसका भी पूरा डेरिवेशन करा है और काफी अच्छे से उसको समझा है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर डायरेक्ट यूज करेंगे। देखिए, अगर मैं वी माइनस क्यू निकालू, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर निकाल दो क्या होगा, के इंटू माइनस क्यू, के क्यू अपॉन आर। अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस लेनी है, आर का मतलब ये आर नहीं है, आर का मतलब है इस चार्ज से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी। देखिए, यहां से यहां तक आर है और ये ए है, क्यों है, जब ये पूरा टू ए है तो ये भी ए है और ये भी ए, तो ये डिस्टेंस ए हो गई, ये डिस्टेंस आपके पास ए है। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, आर प्लस ए। ओके, सो आई कैन राइट आर प्लस ए। इसी तरीके से जब मैं पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालूंगा वी प्लस क्यू, जिसको लिख देते हैं, वो कितना होगा, के क्यू बाय यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। अब देखिए, ये पूरी आर है और ये ए है यहां से लेके यहां तक की, तो आपको तो यहां से चाहिए ना, लेकिन इस पॉइंट चार्ज से यहां तक चाहिए डिस्टेंस। तो जब ये पूरी आर है, ये ए है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस ए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर माइनस ए हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी आर है, ये ए है, तो बची हुई डिस्टेंस आर माइनस ए हो गई। तो हम यहां पर आर माइनस ए लिख देंगे, क्लियर। तो हमने इस पॉइंट पर, आप चाहे तो यहां लिख दीजिए एट पॉइंट पी, बात चल रही है एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज के इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और पॉजिटिव चार्ज के कारण के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए। तो टोटल पोटेंशियल जिसको हम वी मानते हैं, उसको हम लिख सकते हैं वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू, दोनों पोटेंशियल को हमने ऐड कर दिया और कुछ नहीं करा, वैल्यू डाल देते हैं इनकी।
प्लस क्यू की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर माइनस ए, प्लस माइनस क्यू की वैल्यू है के इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए। तो जरा मैं इसको सही से सॉल्व करूं तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए, और ये माइनस आगे कर दिया, प्लस ए। ओके, तो मैं यहां से के क्यू दोनों में से बाहर कर सकता हूं, सो इट इज के क्यू बाहर करा वन अपॉन आर माइनस ए माइनस वन अपॉन आर प्लस ए। ये मेरा कुछ ऐसा दिखने लगेगा, के क्यू दोनों में से बाहर कर दिया तो ऊपर वन बचा माइनस के। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व अगर करूं तो देखिए इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा और नीचे इनका आपस में इंटू हो जाएगा, है ना। एलसीएम इसी तरीके से लेते ना, सो दिस विल बी के क्यू वी इक्वल टू, है ना, ये v इक्वल टू में चल रहा है सारा, तो v इक्वल्स टू हो गया के क्यू और ये हो जाएगा r प्लस ए इधर आ जाएगा, माइनस r माइनस ए इधर आ जाएगा और नीचे r प्लस ए इंटू आर माइनस ए हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, ये सिंपल एलसीएम दिया हमने, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड से इसको इधर करा और नीचे आपस में इंटू कर दिया। नाउ जो हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आर प्लस ए, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहां पर। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है, ये कट जाएगा, सो v इक्वल टू आ गया के क्यू और यहां पर हो गया 2a और नीचे चल रहा है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नाउ जरा ध्यान से देखें q इंटू टू ए क्या होता है, q इंटू टू ए क्या होता है, चैप्टर वन से स्टार्ट हो चुकी है ये चीज, q इंटू टू ए क्या होता है, p, जिसको हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट। तो मैं इसको हटाकर p लिख दूंगा तो v इक्वल टू आ गया के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो आप चाहे तो यहां पर छोड़ सकते हैं लेकिन यहां पर हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक अजम्पशन ले लेते हैं। अजम्पशन क्या ले लेते हैं, मैं यहां पर लिखकर आपको बता देता हूं, हम अजम्पशन ये लेते हैं कि फॉर शॉर्ट डायपोल, अगर डायपोल छोटा है, फॉर शॉर्ट डायपोल आप ये मान सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है आर, जो डिस्टेंस ली है ये बहुत बड़ी होगी ए से, मतलब कि आर स्क्वायर जो होगा वो बहुत बड़ा होगा ए स्क्वायर से, तो उस केस में आप ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं आर स्क्वायर के सामने। आर स्क्वायर आप मान लीजिए सपोज करिए जैसे मैं लिखा 1,00,000, है ना, और ए स्क्वायर है 1, तो 1,00,000 के आगे 1 बहुत छोटी क्वांटिटी, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, 1,00,000 एक बोलो या 1,00,000 बोलो एक ही बात होती है, तो इसीलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे और हम सिंपली लिख देंगे v इक्वल्स टू के पी बाय आर स्क्वायर। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, पर याद रखिएगा ये जो एक्सप्रेशन फॉर शॉर्ट डायपोल है, अगर जनरल डायपोल निकालना है तो ये आंसर रहेगा, पर हम यूजली शॉर्ट डायपोल ही लेकर चलते हैं, तो हमारा v इक्वल्स टू के पी बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ इसका आपको मैग्नीट्यूड ही लिखना रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डायपोल ऑन इक्विटोरियल पॉइंट। अभी इससे पहले जो हमने डेरिवेशन किया था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट क्या था, जो एक्सिस पे था, इक्विटोरियल पॉइंट वो होता है जो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर पे लिया जाता है। देखिए हम डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, जैसे लेट्स से ये एक मेरा डायपोल है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, और इसका सेंटर जो है वो ओ है,
और ये डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, क्यों है? क्योंकि टोटल डिस्टेंस आप क्या लिख सकते हैं, टू है। अब जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है ना, वो होता है सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही होती है उस पर कोई पॉइंट। ओके, सो सपोज करिए ये एक पॉइंट है पी पॉइंट, जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस डायपोल का। ओके, और मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये थीटा है। मैंने दोनों तरफ थीटा क्यों लिखा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ना, दोनों तरफ सेम चार्ज है, आप बीच से ले रहे हैं तो ये सिमेट्रिकल है। अगर यहां से थीटा एंगल बन रहा है तो यहां से भी थीटा एंगल ही बनेगा। ओके, नाउ ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये जो डिस्टेंस है इसको आप आर लेकर चलते हैं। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है आप चाहे तो यहां पर इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस मैंने ओ पॉइंट से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको आर लिया। ओके, अब अगर मैं इस डिस्टेंस को निकालने में इंटरेस्टेड हूं ए पी, तो क्या होगी आप देख सकते हैं, मैं अलग से डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको क्लियरली समझ में आए कि ये ए है, this is O and this is P, okay? Now this is A, ये मैंने A माना है, ये मैंने R माना है, तो फिर ये कितना हो जाएगा by Pythagoras theorem, under root A square plus R square, Pythagoras theorem याद है ना, hypotenuse का square equals to perpendicular square plus base का square, so ये अपना निकल के आ जाएगा यहां से A square plus R square। सेम चीज यहां पर भी आ जाएगी निकल के, क्योंकि वही चीज है, आर है ए है, दिस विल बी आल्सो बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो हमने जो हमें नेसेसरी डायमेंशन है वो सारी कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम इसका डेरिवेशन चालू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, इस डायपोल का निकालना है आपको, पर हम क्या करेंगे, हम इस डायपोल को दो पॉइंट चार्जेस में स्टडी करेंगे कि भाई ये जो डायपोल है ये बना किससे है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज से। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट पर एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी जब हम टोटल पोटेंशियल लिखेंगे तो पहले हम दोनों चार्जेस का इंडिविजुअल लिख लेंगे, तो वी ऑफ माइनस क्यू मतलब पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर, आर मतलब ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि आपको मालूम है जो अंडर रूट होता है उसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहां पे अंडर रूट भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही चीजें सेम है। ओके, ऐसे ही v प्लस q कितना आ जाएगा, k q बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहां भी जो डिस्टेंस सेम ही है ना, ठीक है ना, तो v माइनस क्यू आ गया k इंटू माइनस क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, और v प्लस क्यू आ गया k क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, है ना। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट p जिसको हम v लिखते हैं, वो होगा v प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू, दोनों चार्जेस का जो पोटेंशियल है उनको एड अप कर दो, है ना। अच्छा, एक चीज आपको पता है कि पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें हमको वो वेक्टर वाला कोई सीन ही नहीं है कि डायरेक्शन में रिजोल्व कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में लग रहा है, उस डायरेक्शन में लग रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने डेरिवेशन किया था सेम चीज के लिए, सेम डायपोल के लिए, जब इक्विटोरियल पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो हमने क्या करा था, उनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजोल्व करा था, फिर देखा था कौन से कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं, कौन से कंपोनेंट एड अप हो रहे हैं। यहां पर आपको ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में कोई चक्कर ही नहीं होता डायरेक्शन का कि हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, वर्टिकल में क्या होगा, आपको तो सिंपली उनकी वैल्यू पुट करना है एंड गेट द रिजल्ट, जैसे कि हम यहां पर रखने जा रहे हैं। सो दिस विल बी प्लस का हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस k माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2।
जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब अगर आप ध्यान से देखें के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 लिखा हुआ है, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 लिखा हुआ है। देखें ये दोनों क्वांटिटी सेम है एकदम, तो ये पूरी पूरी कट जाएंगी, तो वी कितना आएगा आपका जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, अक्सर हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं इसको विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ वैल्यू आती है, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू द डायपोल इज जीरो। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो डायपोल का पोटेंशियल आता है वो जीरो आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आता है, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो आता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ मेहनत वाला काम नहीं था, हमने सिंपली प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा इस पॉइंट पर, और उसके बाद उनको एडअप कर दिया और देखा कि ये दोनों सेम थे और कट गए, तो फाइनल आंसर आपका जीरो आ गया होगा। ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो से हेल्प मिल रही होगी, फिजिक्स को समझने में इजी पड़ रहा होगा, डेरिवेशन इजीली समझ में आ रहे होंगे। फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।